नमस्कार साथियों, आप सभी का स्टडी 91 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अमित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास में हम सभी पढ़ने वाले हैं अधिगम चैप्टर पर बात करेंगे। अधिगम चैप्टर आप सभी के पेपर के लिहाज से बात किया जाए तो बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है। चाहे पेपर फर्स्ट पेपर दे रहे हों सीटेट का, चाहे सीटेट का आप सेकेंड पेपर दे रहे हों, जो बात किया जाए प्राइमरी और जूनियर की बात किया जाए तो अधिगम चैप्टर की जब आप बात करते हैं दोस्त, कम से कम आपके पेपर में 2 से 3 क्वेश्चन हमेशा से दिखाई देते हैं। तो आज का जो प्रैक्टिस क्लास होने वाला बेहद इंपॉर्टेंट क्लास होगा। सभी बच्चे एक बार सेशन को शेयर करते हुए क्लास को लाइक कर देंगे, हर क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से सीखने का प्रयास करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे किस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ चैप्टर से पूछे जाते हैं। दोस्त चलेंगे बात करेंगे, एक इन्फॉर्मेशन है, वह इन्फॉर्मेशन की बात करें हिंदी इंडिविजुअल क्लास के बारे में है। आप सभी बात करेंगे कंप्लीट कोर्स के साथ जुड़ सकते हैं, 1 साल की वैधता के साथ आपको प्रोवाइड होगा। साथ ही साथ बात करेंगे 130 प्लस घंटे की क्लास होगी। 2 नंबर आप सभी के सामने दिया गया, अगर कोई दिक्कत हो तो इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। दोस्त हम बात करने वाले हैं, पहले क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है और आप सभी पढ़ेंगे और बताने का प्रयास करेंगे इसमें से क्या राइट आंसर हो सकता है। पहला कह रहा है कि निम्न में से अधिगम की कौन सी दशा पर विद्यालयों में सबसे अधिक बल देना चाहिए, कौन से दशा पर ज्यादा बल देने चाहिए। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन ऑफ लर्निंग शुड बी गिवन मैक्सिमम इम्फेसिस इन स्कूल्स। कह रहा है कि प्रवेश से सहभागिता द्वारा कौशल और ज्ञान का अर्जन, कर विषय वस्तु को रटना या दूसरों का निष्क्रिय अनुकरण, या कर उद्दीपन अनुक्रिया संबंधों द्वारा व्यवहार का अनुबंधन। जी इसके लिए आप सभी कमेंट करेंगे क्या राइट आंसर हो सकता है, पहले नंबर के लिए क्या राइट आंसर होगा। तो दोस्त कह रहा है कि निम्न में से अधिगम की कौन सी ऐसी दशा है दशा पर विद्यालयों में सबसे अधिक बल दिया जाता है, सबसे अधिक बल किस पर बल दिया जाता है, ऐसा आपसे प्रश्न पूछ रहा है। तो आप जानते हैं विषय वस्तु को रटना, रटने की बात, सिलेबस को रटना, विषय वस्तु को रटना, या आपका एनसीएफ विरोध करता है, आरटी विरोध करता है, तो इस तरीके से आपका बी ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगर दूसरों का निष्क्रिय अनुकरण की बात करें, वो भी अनुकरण करने की बात तो कहे तो मान चलती है, लेकिन निष्क्रिय की बात कर रहा है, यह भी बात गलत हो गया। दोस्त डी में बात करें उद्दीपन अनुक्रिया संबंधों का व्यवहार में अनुबंधन, ऐसा अधिगम अच्छा नहीं होता। स्टिमुलस रिस्पॉन्स की बात अगर जब आप करते हैं तो क्योंकि यह व्यवहारवादी मानते हैं, और अधिगम की जो सबसे अधिक बेहतरीन दशा होनी चाहिए वह किसके आधार पर होनी चाहिए, सहभागिता के हिसाब से होनी चाहिए। परिवेश में ऐसा इन्वायरमेंट ऐसा क्रिएट करें कि सहभागिता के साथ बच्चे क्या करें, दूसरों से सहभागिता द्वारा कौशलों और ज्ञान का अर्जन कर पाए। तो राइट आंसर क्या होगा, वह होगा ए ऑप्शन। डी की बात किया जाए तो डी भी क्या होगा, गलत होगा, क्योंकि उद्दीपन अनुक्रिया संबंधों से बेहतर तरीके से बच्चा सीख नहीं पाता, इसलिए विद्यालयों को इस पर ज्यादा बल नहीं देने चाहिए। देने चाहिए किस पर, ए ऑप्शन पर, प्रवेश ऐसा क्रिएट करें, एनवायरमेंट ऐसा क्रिएट करें जहां पर बच्चा किस आधार पर सीख पाए, वह सहभागिता के द्वारा ज्ञान का अर्जन कर पाए। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, सेकंड नंबर की बात करते हैं। कर अधिगम अधिक सार्थक और प्रभावशाली होता है अगर वह मुख्यता हो, किस प्रकार से हो, जो अधिगम ज्यादा प्रभावशाली और इफेक्टिव होगा। लर्निंग इज द मोर मीनिंगफुल एंड इफेक्टिव इट इफ इट द मेनली शिक्षा केंद्रित निर्देशित, या कर सहपाठी द्वारा निर्देशित, या पाठ पुस्तक द्वारा निर्देशित, या कर स्व निर्देशित। कैसा होगा जो सबसे बेहतरीन, इफेक्टिव और साथ ही साथ प्रभावशाली होगा अधिगम, कौन सा आपको लगता है कि कौन सा अधिगम सबसे अच्छा बेहतरीन होने वाला है इसमें से। इस नंबर के लिए आप सेकंड नंबर के लिए क्वेश्चन बताएंगे क्या आपको राइट होगा। शिक्षा केंद्रित की बात करें तो जो भी हो, करें कि अधिगम जब शिक्षक केंद्रित होता होगा तो क्या ज़्यादा प्रभावित होगा, नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि बाल केंद्रित शिक्षा है तो शिक्षक केंद्रित तो शिक्षा है नहीं, तो इसलिए आपका ये ऑप्शन गलत होगा। करें सहभागिता द्वारा निर्देशित, करें कि सहभागिता द्वारा निर्देशित और पाठ पुस्तक द्वारा निर्देशित, तो यह भी क्या होगा, गलत होगा। जब स्व निर्देशित होगा ना, जब अधिगम आप खुद से निर्देशित करके पढ़ोगे, स्व निर्देशित का मतलब है बाल केंद्रित शिक्षा, जब खुद आप अपने ऊपर अपना स्व निर्देशित होकर चीजें करने की कोशिश करोगे तो बेहतर कर पाओगे। इसीलिए दोस्त आपका जो राइट होगा वह डी ऑप्शन राइट होगा। बी इस वजह से नहीं होगा क्योंकि सहपाठी द्वारा निर्देशित, आपके सहपाठी बताएंगे क्या कि आपको क्या पढ़ना है, क्या आपकी कमजोरी है, क्या आपको
क्या आपको लगता है कि आप बेहतर कर पाएंगे, वह सहपाठी नहीं बता पाएंगे, वह आप ही बता पाओगे कि किस तरीके से हम सीखे, हमारे में क्या एबिलिटी है, क्या मुझे कैपेसिटी है, क्या मुझ में क्षमता है कि हम कैसा बेहतर कर पाएंगे, यह सिर्फ आपको पता है। इसलिए दोस्त आपका बी ऑप्शन भी गलत होगा। तो राइट आंसर क्या होगा, वट डी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, थर्ड नंबर की बात कर लेते हैं। निम्न में से कौन सी विचारधारा, निम्न में से कौन सी विचारधारा बच्चों के अधिगम में अवरोधक है, कौन सी ऐसी विचारधारा जो अधिगम में अवरोधक का काम करेगा। तो कह रहा कि इसके लिए आप सभी कमेंट करेंगे, कह रहा त्रुटियां अधिगम की प्रक्रिया का एक हिस्सा है, या कह रहा कि अधिगमकर्ताओं के लिए त्रुटियां करना एक लज्जाजनक कार्य है, कर अधिगमकर्ताओं की संकल्पनात्मक समझ में अंतरालों की जानकारी देनी चाहिए देती है, या फिर कह रहा कि अधिगमकर्ताओं को डांट के भय से भय के बिना त्रुटियां करने के लिए मौके मिलना चाहिए। तो इसका मतलब है निम्न में से कौन सा विचारधारा बच्चों के अधिगम में अवरोधक है। इसका मतलब आपको इसमें से तीन ऑप्शन जो पॉजिटिव हैं, एक नेगेटिव होगा जो अवरोधक का काम करेगा, वही आपको ढूंढ निकालना है। तो क्या आपको लगता है कि इसमें से राइट ऑप्शन होना चाहिए, जिसके लिए आप सभी कमेंट करेंगे। थर्ड नंबर के लिए क्या इसमें से राइट आंसर होना चाहिए। दोस्त जानते हैं त्रुटियां अधिगम की प्रक्रिया का एक हिस्सा, एकदम बात सही है, यह तो पॉजिटिव है। क्या है ये, तो पॉजिटिव सेंटेंस है। लेकिन अगर अधिगमकर्ताओं के लिए त्रुटियां करना एक लज्जाजनक कार्य है, अधिगमकर्ताओं के लिए लज्जा कार्य, देखिए त्रुटियां आप करते हैं त्रुटियों से ही सीखते हैं, हम किस प्रकार से त्रुटियां करते रहते हैं चीजों को सीखते रहते हैं, तो कोई लज्जा का कार्य का मतलब नहीं होगा। क्योंकि देखिए अधिगमकर्ताओं के लिए त्रुटियां करना एक लज्जाजनक कार्य है, ऐसा आप बात मानना, क्योंकि लज्जा कुछ होता नहीं, त्रुटियां करना एक सीखते हैं आप, तो इसलिए क्या है नेगेटिव है, और नेगेटिव हमें ढूंढना था, बी ऑप्शन आपका राइट होगा। त्रुटियां अधिगम की प्रक्रिया का एक हिस्सा तो होता है, तो आप जानते हैं अधिगमकर्ताओं की जो संकल्पनात्मक समझ है वह में अंतरालों की जानकारी देती है, एकदम सही है। त्रुटियां ऐसा भी काम करती हैं जो संकल्पनात्मक समझ है उसको समझने में जो क्या देती हैं वह जानकारी प्रदान करती हैं। और इसके साथ साथ बात करें अधिगमकर्ताओं की डांट के भय के बिना त्रुटियां करने के क्या करने चाहिए, मौके देना चाहिए, एकदम बात सही है। डांट डपट के नहीं, भैया आप त्रुटियां कर दोगे तो आप पीटना मारना उससे नहीं है, डांटना नहीं है, आप बिना बोलो बोल दो बच्चे से कि बेटा जैसा भी आपको लगता है जैसे आपको सीखना सीखो, कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने हिसाब से सीखो तो बच्चा बेहतर सीख पाएगा। इसलिए दोस्त हमारा क्या राइट आंसर होगा, वह थर्ड का बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर फोर्थ नंबर की बात कर लेते हैं। करा कथन में कह रहा कि अर्थपूर्ण अधिगम के लिए नई सामग्री को बच्चे के मौजूदा ज्ञान से जोड़ना जरूरी है। तर्क में कह रहा कि अधिगम एक रेखीय तरीके से होता है। करा ए और आर दोनों सही हैं, और आर सही व्याख्या करता ए की। करा ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर व्याख्या नहीं करता ए की। करा ए सही है लेकिन आर गलत है, ए और आर दोनों गलत है। अच्छा प्रश्न है, इसके लिए आप सभी बताएंगे क्या आपका राइट आंसर होना चाहिए। जी इसके लिए आप सभी कमेंट करेंगे क्या इसमें से राइट आंसर। करा अर्थपूर्ण अधिगम के लिए मीनिंगफुल लर्निंग के लिए कह रहा है कि के लिए नई सामग्री को बच्चे के मौजूदा ज्ञान से जोड़ना जरूरी, एकदम बात सही है। जो बच्चे को नई जानकारी देते हैं उससे मौजूदा जो ज्ञान है उससे रिलेट कर देंगे तो बच्चा बेहतर तरीके से सीख जाता है। इसका मतलब कथन तो सही है लेकिन अधिगम एक रेखीय तरीके से होता है, नहीं चक्री तरीके से। अधिगम कैसे होता है, अधिगम चक्री तरीके से होता है, ऐसी बात कहे तो बात राइट होना चाहिए। तो आपका या जो तर्क है, तर्क गलत है और कथन सही है, इसका मतलब ए सही है लेकिन आर क्या है, गलत है, सी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, फिफ्थ नंबर की बात कर लेते हैं। कर अधिगम सबसे अधिक प्रभावशाली और अर्थपूर्ण होगा अगर, कर लर्निंग विल बी मोस्ट इफेक्टिव एंड मीनिंगफुल इफ, कर या संदर्भित रूप में हो, कर अधिगमकर्ता प्रदर्शन अभिमुखी हो, या अध्ययनकर्ता बाह्य कारकों से अप्रेरित हो, या जानकारी असंबंधित खंडों में प्रस्तुत हो। तो आपको क्या लगता है इसमें से राइट आंसर होना चाहिए, ये बेहतरीन प्रश्न है, आप सभी इसके लिए कमेंट करेंगे क्या आपको लगता है कि इसमें से राइट आंसर हो सकता है। अधिगम सबसे अधिक प्रभावशाली और अर्थपूर्ण होगा अगर कैसा होगा, करा कि या संदर्भित रूप में हो, या फिर क्या आपको लगता है कि या इसमें से होना आपके लिए पॉजिटिव है, ये बताएंगे इसके लिए कमेंट करेंगे क्या राइट आंसर होगा। तो जब अधिगम कैसा होना चाहिए, जब अधिगम क्या हो, संदर्भित होगा, जैसा आप चाह रहे हो, देखिए कोई चीज़ आप जानकारी दे रहे हो, जैसे आप बात करें सीटेट की तैयारी कर रहे हैं,
चाहे फर्स्ट पेपर हो या सेकंड पेपर हो। अगर फर्स्ट पेपर की तैयारी करें तो फर्स्ट पेपर के हिसाब से दी जाए, सेकंड पेपर की तैयारी करें तो सेकंड पेपर के तरीके से दी जाए। आपको जिस चीज़ का टारगेट दिया जाए, जिस प्रकार से आप अध्ययन करना चाहते हैं, जिस चीज़ के लिए अध्ययन कर रहे हैं, उसी से संदर्भित चीज़ें होंगी, तभी तो उस पर इफेक्टिव और प्रभावशाली होने वाली हैं। नहीं तो प्रभावशाली होंगी क्या? नहीं हो सकती हैं। तो प्रभावशाली होने के लिए क्या होना चाहिए? आपको उसी के हिसाब से जैसा आपको चाहिए उसी हिसाब से ज्ञान मिलेगा तो प्रभावी होगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका जो या संदर्भित रूप में हो एकदम बात सही है। अगर अध्ययनकर्ता प्रदर्शन अभिमुखी हो, सिर्फ प्रदर्शन करने के लिए अभिमुखी हो, नहीं। अगर आप बाह्य कारकों से अप्रेरित हो, अधिगमकर्ता बाह्य कारकों से अप्रेरित होने से ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। अधिगमकर्ता जब आंतरिक रूप से अप्रेरित होता तो ज्यादा अच्छा होता है। इसलिए दोस्त यह भी नहीं होगा कि जानकारी असंबंधित खंडों में प्रस्तुत की जाए, मतलब जानकारी जो असंबंधित मतलब इतना टुकड़े में मतलब असंबंधित उससे कोई मतलब ही ना हो, इस तरीके से आप खंडों में बांट देंगे तो दिक्कत हो जाएगा। तो इसको जो जानकारी संबंधित खंडों में प्रस्तुत होता तो यह प्रभावी होता, लेकिन गलत लिखा गया, असंबंधित लिखा गया है, तो दोस्त आपका ए इज द राइट ऑप्शन होगा। बात करेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर, बात करेंगे सिक्स नंबर की, बात कर लेते हैं। कर अधिगम का सामाजिक संरचनात्मक उपागम निम्न में से किसकी महत्ता पर बल देता है? किसकी महत्ता पर यह बल देता है कि द सोशल स्ट्रक्चरल अप्रोच जो अप्रोच टू लर्निंग स्पेस साइज एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग कर इनाम एंड दंड कर मानकीकृत आकलन या कर सांस्कृतिक संदर्भ या कर प्रतिपादक अध्यापन। तो आपको क्या लगता है कि इसमें से राइट आंसर होना चाहिए? सिक्स नंबर के लिए अधिगम का सामाजिक संरचनात्मक उपागम निम्न में से किसकी महत्ता पर बल देता है? क्या आपको लगता है किसकी महत्ता पर बल देगा? अच्छा प्रश्न है, बहुत बेहतरीन प्रश्न है, इसके लिए कमेंट करिए, करेंगे क्या इसमें से राइट आंसर होगा। दोस्त आप जानते हैं, ध्यान देंगे करा कि दंड और इनाम, दंड और इनाम से आधार पर जो सामाजिक संरचनात्मक उपागम है इस पर बल नहीं देता है, या व्यवहारवादियों का मानना था, या ऑप्शन गलत होगा। मानकीकृत आकलन अपने आप में वैसे गलत है, मानकीकृत आकलन नहीं होना चाहिए, लचीलापन लचीली आकलन होनी चाहिए, यह भी आपका गलत हो जाएगा। अगर आप प्रतिपादक अध्यापन तो यह भी आपका गलत है। सांस्कृतिक क्या होना चाहिए? संदर्भ होना चाहिए। इस आधार पर जब अध्ययन कराएंगे तो सामाजिक संरचनात्मक जो उपागम मानता है वह कैसे आधार पर? सांस्कृतिक संदर्भ के आधार पर मानता है, क्योंकि जो आप देख पा रहे होंगे सामाजिक संरचनात्मक की बात हो रही ना, तो कहीं ना कहीं वायुगोस्की के हिसाब से बात हो रही है। तो राइट आंसर आपका सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, सेवन नंबर की बात करते हैं। करा कि निम्न में से अधिगम की कौन सी तकनीक पर एक अध्यापक को बल देना चाहिए? कर विच ऑफ द फॉलोइंग लर्निंग करा टेक्निक शुड ए टीचर इम्फेसाइज, किस पर उसे बल देना चाहिए? किस पर? करा उद्दीपन प्रतिक्रिया द्वारा अधिगम, करा संरचनाबद्ध अन्वेषण की प्रक्रिया द्वारा अधिगम, या रट्टा मार सीखना या दूसरों से ज्यादा अंक प्राप्त करने के लिए सीखना। तो आप सेवंथ नंबर के लिए क्या राइट आंसर होगा? जी अच्छा प्रश्न है, ये सारे प्रश्न इसी तरीके से आपके पेपर में देखने को मिलते हैं। तो आप पहले से जानते हैं उद्दीपन अनुक्रिया की बात करें, उद्दीपन प्रतिक्रिया अनुक्रिया की बात की जाए, यह अधिगम अच्छा नहीं होता है, इस पर बल नहीं देना चाहिए, ये ऑप्शन तो गलत होगा। संरचनाबद्ध अन्वेषण की प्रक्रिया द्वारा अन्वेषण होगा तो बच्चा अच्छा सीखेगा, जब खोज करके सीखेगा, कोई चीज लर्निंग करेगा तो बेहतर तरीके से सीख पाएगा। और दोस्त आपका बी ऑप्शन राइट होगा, रट्टा मार सीखना यह भी गलत होगा, और दूसरे से ज्यादा अंक प्राप्त करने के सीखना, कहीं ना कहीं आप अंग पाने की होड़ में हो, सीखने की कोशिश नहीं कर रहे हो, तो यह भी आपका बात गलत हो जाएगा दोस्त। तो राइट आंसर बी इज द राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे, एट नंबर क्वेश्चन को पढ़ेंगे और बताएंगे कि आपको राइट आंसर होगा। अधिगम को प्रभावित करने वाला निम्नलिखित में से कौन सा कारक पर्यावरणीय कारक है? कौन सा ऐसा कारक है जो पर्यावरणीय कारक है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इफेक्टिव लर्निंग इज द एन एनवायरमेंटल फैक्टर, कर रवैया, प्रेरणा या फिर व्यक्तिगत लक्षण या विद्यालय। तो कर अधिगम को प्रभावित करने वाला निम्नलिखित में से कौन सा कारक ऐसा है जो पर्यावरणीय कारक है? इसका मतलब कौन सा है? कहीं ना कहीं एक्सपेरिमेंटल फैक्टर की बात कर रहा है, तो कौन सा होगा? रवैया होगा या प्रेरणा होगा, व्यक्तिगत लक्षण होगा या विद्यालय होगा? कौन सा आपको पर्यावरण से जुड़ा होगा, इसके लिए आप सभी बताएंगे क्या इसमें से राइट होगा। दोस्त रवैया आप खुद करते हैं तो या क्या आपका होगा, या अनुवांशिकता वाला होगा, या हेरिडिटरी फैक्टर होगा, या तो नहीं होगा। प्रेरणा की बात करेंगे तो खुद आप मोटिवेट होते हैं तो यह भी नहीं होगा। व्यक्तिगत लक्षण की बात करें, पर्सनालिटी का जो खुद आपका पर्सनालिटी लक्षण की बात करें खुद होगा, लेकिन विद्यालय आप खुद नहीं
नहीं होती, वह एनवायरमेंट है और एनवायरमेंट में विद्यालय है, और राइट आंसर क्या होगा, वह डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो अधिगम को प्रभावित करने वाला निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरणीय कारक है, वह विद्यालय है और रवैया, प्रेरणा या व्यक्तिगत लक्षण, या आपका अनुवांशिक कारक है और अधिगम को प्रभावित करने वाला, तो डी ऑप्शन पूरी तरीके से राइट है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, 9th नंबर की बात कर लेते हैं। कह रहा है दोस्त, अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, अधिगम के संदर्भ में कौन सा निम्नलिखित में से राइट आंसर है। करेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज द करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लर्निंग, छात्र सबसे अच्छा तब सीखते हैं जब वे सांस्कृतिक रूप से अप्रासंगिक गतिविधियों में भाग लेते हैं, सार्थक गतिविधियों में भाग लेने पर छात्र सबसे अच्छा सीखते हैं। बी ऑप्शन में करा, सी ऑप्शन में करा, छात्र सबसे कम तब सीखते हैं जो वे सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक गतिविधियों में भाग लेते हैं। करा विद्यार्थी सबसे कम सीखते हैं जब वे सार्थक गतिविधियों में भाग लेते हैं। 9th नंबर के लिए क्या आपको लगता है कि राइट आंसर होना चाहिए, अच्छा प्रश्न है। और बात कर लेते हैं, थोड़ा सा ध्यान देंगे, करा बच्चा जो ऑप्शन में करा है, छात्र सबसे अच्छा तब सीखते हैं जब वे सांस्कृतिक रूप से अप्रासंगिक, भाई प्रासंगिक होता तो बात बन जाती, यहाँ पर प्रासंगिक रूप से जब सीखेंगे तब तो अच्छा सीखेंगे, कि आप प्रासंगिक उससे जुड़ा ही नहीं है तब बेहतर सीखेंगे, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ए ऑप्शन आपका गलत होगा। कि बी में कह रहा कि सार्थक गतिविधियों में भाग लेने पर छात्र सबसे अच्छा सीखते हैं, एकदम सही है। सी में कहा छात्र सबसे कम तब सीखते हैं जब वे सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक गतिविधियों में भाग लेते हैं, तो कम नहीं सीखते हैं तब अधिक सीखते हैं, और यहाँ पर क्या लिख दिया गया, कम लिखा है, यहाँ पर अधिक होता तो राइट ऑप्शन होता, यहाँ पर अधिक होता तो बात सही होती, लेकिन यह क्या होगा आपका गलत है, या भी सी ऑप्शन भी अपने आप में गलत है। और डी की बात करें, कर विद्यार्थी सबसे कम तब सीखते हैं जब वे सार्थक गतिविधियों में भाग लेते हैं, तब वे सबसे अधिक सीखते हैं, यहाँ पर बात किया जाए तो आपका राइट आंसर अधिक होना चाहिए था, या भी बात गलत है, तो राइट आंसर बी इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, 10th नंबर की बात करते हैं। कर अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य करने के लिए एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए, व्हाट शुड ए टीचर डू टू फैसिलिटेट मीनिंगफुल लर्निंग। तो कर छात्रों के बीच सहयोग को हतोत्साहित करना चाहिए, आप जानते हतोत्साहित करेंगे तो बच्चा क्या अच्छा सीख पाएगा, अधिगम अच्छा सीख कर पाएगा, शिक्षिका हतोत्साहित करेगी तो प्रोत्साहित करने के लिए गई, हतोत्साहित करने के लिए गई है, यहाँ पर बात गलत हो जाएगा, यहाँ से गलत हो जाएगा, प्रोत्साहित होता तो सही होता। छात्रों की भी प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना, कंपटीशन को प्रोत्साहित करने के लिए गए हैं ना, इसके लिए भी नहीं गए, तो यह भी गलत हो जाएगा। विषय वस्तु को रटने पर बढ़ावा देना, तो यह भी आपका विषय वस्तु को रटना अपने आप में क्या है, गलत है, तो राइट आंसर क्या होगा, संप्रत्यय की समझ को महत्व देना, जो कॉन्सेंचुअल अंडरस्टैंडिंग है उस पर क्या देना, फोकस करना, बल देना, तो क्या फोर्स करना, समझ पर महत्व देना, इसलिए आपका जो राइट आंसर होगा वह डी ऑप्शन पूरी तरीके से राइट हो जाएगा, क्या होगा, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, आगे ध्यान देंगे, इन्फॉर्मेशन आर ओ आर ओ के कंप्लीट बैच के साथ आप सभी जुड़ सकते हैं, दो नंबर आप सभी के सामने, अगर कोई दिक्कत हो इन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, 11 नंबर की बात करते हैं। विद्यार्थियों की सीखने की विविध जरूरतों को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन एक बाधा है, विद्यार्थियों की सीखने की विविध जरूरतों को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक बाधा है, ऐसा आपको करा की पूछ रहा है। करा गतिविधियों में कई तरीके से संलग्न होना, करा कई तरीके से राय की अभिव्यक्ति करना, या करा कई तरीके से विद्यार्थियों का नामीकरण और क्रमीकरण, या कई तरीके से सूचना का प्रतिनिधित्व, तो आपको क्या लगता है कि इसमें से राइट आंसर होगा, तो आपको इसमें से क्या लगता है कि 11 नंबर के लिए क्या आपको लगता है कि राइट आंसर होना चाहिए, जी 11 नंबर के लिए आप बताएंगे क्या आपको लगता है कि इसमें से राइट आंसर होना चाहिए, कौन एक बाधा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका इसमें से 3 पॉइंट राइट है, एक पॉइंट ही गलत है, वही आपको ढूंढना है। करब गतिविधियों में कई तरीके से संलग्न होना, सही, एक्टिविटीज में कई तरीके से आप पार्टिसिपेट करना, एकदम बात सही, ये तो हमारा आंसर नहीं होगा। करब कई तरीके से राय की अभिव्यक्ति, या फिर करब कई तरीके से व्यक्तियों का नामीकरण और क्रमीकरण,
भैया नामीकरण और कामक्रमण करेंगे तो कहीं ना कहीं व्यक्ति विभिन्नता का हनन कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप सामाजिक समावेशी शिक्षा जो आपका जो इंक्लूसिव एजुकेशन है उसका विरोध हो रहा है। क्यों? क्योंकि जब नामीकरण करेंगे क्रमीकरण करेंगे तो इसलिए समावेशी शिक्षा का हनन हो रहा है, क्योंकि क्रम में नाम में आपको नहीं बताना है, आपको सभी बच्चे आपके लिए अच्छे हैं, सभी विशिष्ट हैं, सभी क्या हैं, सभी एक समान हैं। इस तरह के क्रम ये सभी चीज करेंगे तो क्लास में जो ईर्ष्या की भावना उत्पन्न होगी और इसीलिए दोस्त आपका गलत है तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं आगे, 12 नंबर की बात कर देते हैं। करा सार्थक सीखने के लिए सार्थक सीखने के लिए निम्न में से क्या महत्वपूर्ण है? फॉर द मीनिंगफुल लर्निंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंपॉर्टेंस? करा कक्षा में प्रतिस्पर्धा संस्कृति का विकास करना, करा बच्चों के विचारों और अनुभवों को जगह देना, करा जानकारी को पृथक खंडों में प्रस्तुत करना, ऐसे उदाहरण देना जो विद्यार्थी के सामाजिक संदर्भ से संबंधित नहीं है। आपको क्या लगता है कि इसमें से राइट आंसर होना चाहिए? जी आपको क्या लगता है इसमें से राइट आंसर होगा? किसको क्या महत्व है, मतलब सार्थक सीखने के लिए निम्न में से क्या महत्वपूर्ण है? कक्षा में प्रतिस्पर्धा संस्कृति का विकास करना, कंपटीशन वाली चीजों को विकास करेंगे या तो नहीं होना चाहिए, आपका गलत हो जाएगा। क्या ए ऑप्शन गलत है? बच्चों के विचारों और अनुभवों को जगह देना एकदम सही है। आपका जो राइट आंसर होगा वह क्या है? आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। जानकारी को पृथक खंडों में प्रस्तुत करना, जानकारी को पृथक खंडों में करेंगे तो टुकड़ों में नहीं भेजना है, यह भी गलत होगा। करें ऐसे उदाहरण करें कि ऐसे उदाहरण देना जो विद्यार्थी के सामाजिक संदर्भ से संबंधित नहीं हो। भैया हम जो बच्चे को सिखा रहे हैं उसके सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से नहीं रहेगा तो बच्चा कैसे सीख पाएगा? बच्चे को हम सिखाएंगे पूर्व ज्ञान से जोड़ करके, बच्चे ने जो सीखा पहले से उससे जोड़ेंगे, क्या ऐसा हम सिखाएंगे जो उससे कोई लेना देना ही नहीं है, उसके आधार पर सिखाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, इसलिए संबंधित नहीं है ऐसा नहीं, गलत है सेंटेंस। और बात किया जाए ना आपका ए होगा ना सी होगा ना डी होगा, राइट आंसर होगा बी, क्योंकि जो बच्चे के विचार है अनुभव को हम क्या कर देंगे जगह देंगे तो सार्थक अधिगम हो पाएगा, अच्छा अधिगम हो पाएगा, बच्चा अच्छे तरीके से सीख पाएगा, बच्चे पर इफेक्ट डालेगा वह लर्निंग। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, 13 नंबर की बात कर लेते हैं। सीखने के सामाजिक संदर्भ के विषय में संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन इसमें से सही नहीं है, ऐसा आपसे प्रश्न पूछ रहा है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट रिकॉर्डिंग द सोशल कॉन्टेक्ट ऑफ लर्निंग? कह रहा संप्रेषण व अंतःक्रिया सीखने के लिए महत्वपूर्ण है। कह रहा कि सीखने का सभी कार्य व्यक्ति द्वारा उसके दिमाग में किया जाता है। कह विद्यार्थी स्कूल में अपनी संस्कृति से बहुत सी समझ लेकर आते हैं। कह जब विद्यार्थी एक दूसरे की सहायता करते हैं करते हुए सहयोगात्मक रूप से काम करते हैं तो उनका अधिगम सुदृढ़ प्रबलित और परिष्कृत होता है। तो आपको क्या लगता है कि इसमें से 13 नंबर से ये राइट होगा? क्योंकि इसमें से आपसे गलत पूछ रहा था। क्या पूछ रहा है? गलत पूछ रहा है। तो गलत इसमें से क्या होगा? जो गलत आपसे पूछ रहा है कौन सा इसमें से सेंटेंस है गलत? सीखने के सामाजिक संदर्भ की बात हो रही है। तो सामाजिक संदर्भ की जब आप बात करते हैं तो सामाजिक संदर्भ कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ाव की बात हो रही है। संप्रेषण व अंतःक्रिया सीखने के लिए महत्वपूर्ण है, एकदम सही है, लेकिन आपसे नहीं पूछ रहा है तो नहीं वाला हमको ढूंढना, ना कि सही वाला ढूंढना है। तो जो गलत है वही हमारा राइट आंसर होगा। सीखने का सभी कार्य व्यक्ति द्वारा उसके दिमाग में किया जाता है, सिर्फ दिमाग में ही किया जाता है, तो ऐसी बात आप जानते हैं या ऑप्शन गलत है। और गलत ही क्या होगा, राइट होगा। विद्यार्थी स्कूल में अपने संस्कृति से बहुत ही समझ लेकर आते हैं, एकदम सही है, अपने संस्कृति से बहुत कुछ समझ लेकर के विद्यालय आते हैं, यह भी पॉजिटिव है। डी में करा कि जब विद्यार्थी एक दूसरे से सहायता करते हुए सहयोग रूप से काम करते हैं तो उनका जो अधिगम होता है सुदृढ़ होता है, प्रबलित होता है और साथ ही इसका होता है परिष्कृत होता है, और यह भी पॉइंट पूरी तरीके से राइट है। तो आपका डी ऑप्शन भी पूरा राइट है। तो राइट हमको नहीं ढूंढना था, हमको ढूंढना था गलत। तो गलत कौन सा है? बी, और बी ऑप्शन इसलिए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, 14 नंबर की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति विद्यार्थियों के अधिगम और चिंतन को सुसाध्य करेगी? कौन सी ऐसी बात है जो विद्यार्थी के अधिगम और चिंतन को सुसाध्य करने वाली है? तो आप बताएंगे इसमें से क्या राइट होगा। ऐसी परिस्थितियां बनाना जहां विद्यार्थी निष्क्रिय श्रोता है हो, करें कक्षा की चर्चाओं में भागीदारी को हतोत्साहित करना, या करें विद्यार्थियों को अपने स्वयं के सीखने पर नियंत्रण रखने के लिए
प्रतिबंधित करना या कर विद्यार्थियों को व्यवहारिक गतिविधियां प्रदान करना। तो आपके लिए 14 नंबर के लिए बताएंगे क्या इसमें से राइट आंसर हो सकता है। अच्छा प्रश्न है जी, बताएंगे इसमें के लिए क्या राइट आंसर होगा। ऐसी परिस्थिति बनाए जहां विद्यार्थी निष्क्रिय श्रोता, भाई निष्क्रिय श्रोता नहीं सक्रिय श्रोता होता तो एक तरीके से बात बनती है, वो भी निष्क्रिय तरीके से आप कह रहे हो गलत। कक्षा की चर्चा में भागीदारी को हतोत्साहित करना, चर्चा को प्रोत्साहित करने का या हतोत्साहित करेंगे तो यह भी बात गलत हो जाएगी। करा कि इस विद्यार्थी को अपने स्वयं के सीखने पर नियंत्रण रखने के लिए प्रतिबद्धित करना, मतलब करा कि सीखने के लिए प्रतिबद्ध कर देना, मतलब एक तरीके से कंट्रोल आप कर रहे हैं, तो कंट्रोल आपको करना नहीं है, यह भी आपका गलत पॉइंट है। प्रतिबंधित नहीं करना है, बाधित नहीं करना है। विद्यार्थी को व्यवहारिक गतिविधियां प्रदान करना एकदम सही है, जो आपका व्यवहारिक गतिविधि देंगे तो बच्चा उसके व्यवहार में आएगी गतिविधियां और अच्छा सीख पाएगा और अच्छी तरीके से चिंतन कर पाएगा, अच्छी तरीके से लर्निंग कर पाएगा। तो सबसे अच्छा सुसाध्य तब हो सकता है अधिगम जब बच्चे के विद्यार्थी व्यवहारिक गतिविधियों द्वारा हम ज्ञान प्रदान करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन जो आपका राइट होगा डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, 15 नंबर की बात कर लेते हैं। कल निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति बच्चों को सार्थक रूप से सीखने के लिए प्रेरित करने में सहायक नहीं है। इसका मतलब आपको इसमें से गलत ऑप्शन ढूंढना था, नहीं की बात हो रही है। तो नहीं कौन सा होगा ऐसे आपसे आपको बताना है। तो इसके लिए बताएंगे करा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटेज करा कि स्ट्रेटेज विल नॉट बी हेल्पफुल इन दी मोटिवेटिंग चिल्ड्रेन टू लर्न मीनिंगफुली करा निपुणता उन्मुख लक्ष्यों को प्रोत्साहित करना, कर निपुणता उन्मूल लक्ष्यों को प्रोत्साहित करना, कर सहयोगी शिक्षण लोकाचार बनाना, कर सकारात्मक विद्यार्थी शिक्षक संबंधों को बढ़ावा देना, या फिर कर विद्यार्थी में क्षमता को स्थायी देखने के लिए प्रोत्साहित करना। इसका मतलब आपको इसमें से गलत ढूंढना था, तो गलत के लिए क्या राइट आंसर होगा इसके लिए आप सभी कमेंट करेंगे। दोस्त निपुणता उन्मुख लक्ष्यों को प्रोत्साहित करना, इसके लिए प्रोत्साहित करना तो सही बात है कि आप निपुणता उन्मुख के लिए बच्चों को निपुण बना रहे हो, बच्चे को अच्छे तरीके से सिखाने का प्रयास कर रहे हो, उसके लिए आप क्या कर रहे हो प्रोत्साहित कर रहे हो, या तो बात सही है हमारा क्या है राइट है, क्योंकि हमको गलत ढूंढना था। तो गलत कौन सा इसे हमें पता करना है, सहयोगी शिक्षण लोकाचार करना एकदम सही है, कर सकारात्मक विद्यार्थी शिक्षक संबंधों को बढ़ावा देना सही है, शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच सकारात्मक जो अंतःक्रिया होगा तो बच्चा सीखेगा बेहतर, बच्चा डरेगा नहीं, शिक्षक से बेहतर तरीके से पूछेगा और शिक्षक सही तरीके से बताएगा। इसका मतलब है आपका ए सही है, बी सही है और सी भी सही है, लेकिन आपका गलत कौन सा होगा, वह आपका गलत है डी, और डी ही जब गलत है तो राइट आंसर यही होगा। विद्यार्थियों में क्षमता को स्थायी नहीं मतलब करा मतलब एक तरीके से स्थिर देखने के लिए, भाई ज्ञान को हम लगातार बढ़ाएंगे ग्रोथ करेंगे, स्थायी नहीं देखने के लिए हम उसके लिए स्थायी देखने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, तो कहीं ना कहीं एकदम बच्चा सीखे ना उसके लिए हम प्रोत्साहित करेंगे नहीं, ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि यही सेंटेंस गलत है, और सेंटेंस जब गलत है तो वही हमारा आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, क्योंकि नहीं वाला हमसे पूछ रहा था, तो डी ऑप्शन पूरी तरीके से राइट है। 16 नंबर की बात कर लेते हैं, करा विद्यार्थियों के अधिगम को सुसाध्य करने के लिए एक शिक्षिका को निम्नलिखित में से किस पर ध्यान देना चाहिए, तो किस पर ध्यान देना चाहिए ऐसा आपसे प्रश्न पूछ रहा है। तो आप बताएंगे परीक्षाओं के प्रति भय पैदा करना, या करा रटकर याद करने पर बल देना, या निष्क्रिय सुनने को बढ़ावा देना, या बच्चों के पूर्व ज्ञान से संबंध जोड़ना। तो 16 नंबर के लिए क्या राइट आंसर होना चाहिए इसके लिए आप सभी कमेंट करेंगे। 16 नंबर के लिए आपको क्या लगता है कि इसमें से राइट आंसर हो सकता है, तो कह रहा परीक्षाओं के प्रति भय पैदा करना, बच्चे को भय पैदा करेंगे परीक्षाओं के लिए, भाई आप शिक्षक हैं विद्यार्थियों के अधिगम को सुसाध्य करने के लिए एक शिक्षिका को क्या काम करना है, परीक्षाओं के लिए भय पैदा करना है, सहायता करनी कि बेटा डरो मत, परीक्षा में कुछ ऐसा नहीं होता है, परीक्षा में यही चीजें होती हैं जो आपने सीखा है 2-4-6 महीने में, वही आप अपने ज्ञान को बता देना, तो अच्छे तरीके से जब समझाएंगी तो समझना चाहिए। और भी कह रहे हैं भय पैदा करेंगे, भाई भय पैदा करेंगे तो बच्चा वैसे पेपर नहीं देगा, और आता भी पेपर में आता हुआ क्वेश्चन भी गलत कराएगा, तो ऐसी बात करने करेगा तो गलत हो जाएगी बात, सी ऑप्शन गलत होगा। रट कर याद करने पर बल देना, रट्टा मराने पर याद कर जोड़ देंगे नहीं, और फिर निष्क्रिय सुनने पर बढ़ावा देना या भी नहीं, बच्चों के जो पूर्व ज्ञान से संबंध जोड़ना, अगर पूर्व ज्ञान से संबंध जोड़ के बच्चे को आप सिखाएंगे तो क्या करेगा बच्चा अच्छा सीख पाएगा, जो आप सिखाते जाओगे उससे रिलेट करके बच्चा सीखता हुआ चला जाएगा, डी ऑप्शन पूरी तरीके से राइट है। 17 नंबर की बात कर लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संवेग अधिगम को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है, कौन सा इसमें से राइट हो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इमोशंस निगेटिवली करा कि इफेक्ट
इफेक्ट से लर्निंग, करेक्ट जिज्ञासा या आनंद, निराशा, गौरव, क्या इसमें से आपको लगता है कि कौन सा अधिगम, ऐसा कौन सा संवेग है जो अधिगम को नकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा? जिज्ञासा, आनंद, निराशा, गौरव। भैया जब बच्चा नकारात्मक रूप से बात कर रहा है, निगेटिविटी की बात करें, मतलब निगेटिविटी तरीके से, एक तरीके से आपको नकारात्मक पर, नकारात्मकता पर जोर दे रहा है, जब नकारात्मकता पर जोर रहा है तो जिज्ञासा तो बात तो सही है, जिज्ञासा रहेगा तो इससे निगेटिविटी थोड़ी ना आएगी, या तो और मोटिवेट होगा, सकारात्मक चीजें हैं, आनंद होगा तो या तो सकारात्मक है। निराशा की बात करें, निराशा के एक तरीके से वह आपका नकारात्मक है और इसीलिए आपका राइट होगा। गौरव, आपको प्राउड होगा, गौरव होगा, गौरवान्वित होंगे तो अच्छा सीखेंगे। दोस्त नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, 18 नंबर की बात कर लेते हैं। तो विद्यार्थियों के अधिगम को सुसाध्य करते समय शिक्षक को निम्नलिखित में से किस रणनीति से बचना चाहिए, किस रणनीति से बचना चाहिए शिक्षक को, ऐसा प्रश्न पूछ रहा है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटेज शुड टीचर अवॉइड व्हाइल फैसिलिटेटिंग लर्निंग अमंग स्टूडेंट, करा कि करा संकल्पना, मानचित्रण, खरा खोजी अधिगम, करा सहज अनुमान लगाना, या करा निष्क्रिय नकल, तो क्या होगा इसमें से? तो आपको क्या लगता है इसमें से किससे बचना चाहिए? इसका मतलब कहीं ना कहीं इसमें से एक पॉइंट जो गलत है वही आपको ढूंढ लेना था, जो आपको आपके सामने गलत है वही आपको ढूंढना है। अब गलत कौन सा है इसको हम ढूंढें। संकल्पना मानचित्र की बात करें तो या तो बात सही है, संकल्पनात्मक मानचित्र बनाना चाहिए, कहीं ना कहीं जो कॉन्सेप्चुअल और मैप की बात करता है। खोजी अधिगम की बात करें, अन्वेषण अधिगम की बात किया जाता है, सहज अनुमान लगाना इसकी बात की जाती है, लेकिन निष्क्रिय नकल की बात नहीं की जाती है, और यही गलत है। तो यही गलत है तो यही हमारा राइट आंसर होगा। जब गलत तो वही हमारा राइट आंसर, जो गलत होगा वही तो राइट होगा। तो इसलिए दोस्त आपका जो राइट आंसर होगा वह डी ऑप्शन पूरी तरीके से करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं 19 नंबर के लिए। सीखने के लिए संरचनात्मक उपागम के द्वारा निम्नलिखित में से किसे बढ़ावा दिया जाता है, किसे बढ़ावा दिया जाता है, क्या बताएंगे? करा कि प्रतिपादक शिक्षण, करा पूछताछ अधिगम आधारित शिक्षा, करा शिक्षण की व्याख्यान विधि, कर रट कर याद करना, तो कौन कारक किसको बढ़ावा दिया जाता है? इसका मतलब कहीं ना कहीं पॉजिटिव वाला आपको ढूंढना था। क्या इसमें से आपको लगता है कि राइट आंसर होना चाहिए? जी, इसमें आपको क्या लगता है कि आपका राइट आंसर हो जाना चाहिए? जी, तो आप जानते भी है, प्रतिपादक शिक्षण की बात करें, प्रतिपादक शिक्षण पर नहीं, कौन सी, इसलिए आपको ज्यादा कर सीखने की जो संरचनात्मक उपागम है उसकी बात कर रहा है। संरचनात्मक उपागम क्या किस पर जोर देता है, वह किस पर जोर देता है? पूछताछ आधारित शिक्षा पर जोर देता है, शिक्षण की व्याख्यान विधि पर नहीं जोर देता, ना कि रटने पर जोर देता है, ना कि प्रतिपादक शिक्षण पर देता है, वह किस पर जोर देता है? वह पूछताछ आधारित शिक्षा पर जोर देता है। और आपका क्या इसमें से राइट होगा? इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग की बात करता, किसका? इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग की बात किया जाता है, पूछताछ आधारित शिक्षा पर जोर दी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न पर बात करेंगे, आगे बात किया जाए 20 नंबर के लिए। अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य करते हुए सूचना प्रसंस्करण का निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सहायक है, ऐसे आपसे प्रश्न पूछ रहा है। करा गैर संदर्भीकरण, करा विस्तारण, करा उद्दीपन प्रतिक्रिया अनुबंधन, रटकर याद करना, तो कह रहा है कि कौन सा इसमें से तत्व, कौन सा इसमें से सहायक होने वाला है, ऐसा आपसे प्रश्न पूछने की कोशिश कर रहा है। दोस्त क्या आपको लगता है कि इसमें होना चाहिए? जी, तो आप जानते हैं गैर संदर्भीकरण की बात करें, जो अधिगम कैसा हो, अधिगम अर्थपूर्ण अधिगम हो, तो गैर संदर्भीकरण होगा तो आप अधिगम मीनिंगफुल होगा, अर्थपूर्ण होगा क्या? अधिगम नहीं हो सकता है। करा कि उद्दीपन प्रतिक्रिया अनुबंधन सिर्फ स्टिमुलस रिस्पॉन्स से जोड़ करके हो तो भी नहीं अधिगम सही तरीके से होगा। रट कर याद करना तो एकदम अपने तरीके से पूरा ही गलत है। तो क्या होगा इसमें से? विस्तारण होगा, तो विस्तारण जब होगा तो बेहतर तरीके से सूचना क्या होगी, अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य करने हेतु सूचना प्रसंस्करण का निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सहायक है, वह विस्तारण सहायक है। और राइट आंसर होगा हमारा बी ऑप्शन, करेक्ट हो जाएगा। इन्फॉर्मेशन है दोस्त, आप सभी आरओ के प्रारंभिक और मेंस पेपर के लिए जो अपनी हिंदी की पुस्तक, आप सभी समान अध्ययन की पुस्तक, इससे ऑनलाइन ऑफलाइन
परचेज कर सकते हैं। दोनों बुक बहुत ही महत्वपूर्ण है, इससे आप सभी मार्केट से अगर देखेंगे तो बेहद इंपॉर्टेंट। मार्केट से अगर आपको लगता है कि ऑनलाइन परचेज करेंगे तो दिक्कत होगी, आप चाहिए ऑफलाइन मार्केट में देख करके पहले देखिए फिर परखिए फिर आराम से ले सकते हैं। बहुत बेहतरीन बुक है, बहुत अच्छे से लिखा गया है दोस्त। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, 21 नंबर की बात कर लेते हैं। कृपया विद्यार्थियों के अधिगम को सुसाध्य करने के लिए एक शिक्षिका द्वारा विद्यार्थियों को चर्चा, कक्षा चर्चा और अन्य किस गतिविधियों में भाग लेने से बचना चाहिए, करा कि भाग लेने से करना चाहिए मतलब बचना चाहिए ऐसा कुछ, करा कि आपका इसमें से क्या राइट होगा, रचनात्मक हतोत्साहित, अर्थपूर्ण हतोत्साहित, सहयोगात्मक प्रोत्साहित, अर्थपूर्ण प्रोत्साहित। तो आपको क्या लगता है कि इसमें से राइट आंसर होगा, 21 नंबर के लिए आपको फिल करना है और फिल करके आप बता दीजिए कि इसमें क्या ऑप्शन होना चाहिए। ध्यान देंगे, हम फिल कर रहे हैं, आप सोचिए पढ़िए पहले। विद्यार्थियों के अधिगम को सुसाध्य करने के लिए मतलब अधिगम को सही तरीके से बढ़ाने के लिए एक शिक्षिका द्वारा विद्यार्थियों को कक्षा चर्चा और अन्य सहयोगात्मक, करा कि अन्य सहयोगात्मक, यहां लिख देंगे सहयोगात्मक, क्या भर देंगे सहयोगात्मक, सहयोगात्मक गतिविधियों में भाग लेने से क्या करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए। यहां पर क्या होना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए, बचना नहीं, यहां पर प्रोत्साहित करना चाहिए। क्या होगा इसमें से, सी ऑप्शन। तो यहां पर हतोत्साहित है गलत होगा, यहां पर हतोत्साहित है गलत होगा, प्रोत्साहित अपने आप में राइट होगा। तो सहयोगात्मक गतिविधियों में भाग लेने से प्रोत्साहित करना चाहिए, इसका मतलब आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कर 22 नंबर के लिए फिर यहां पर आपको फिल करना है, करा कि वातावरण की स्थापना विद्यालयों में अधिगम का एक अनिवार्य हिस्सा है, करा कि आपका सहयोगात्मक, सकारात्मक, प्रतिस्पर्धात्मक, उबाऊ, रचनात्मक, यांत्रिक, करा भयपूर्ण, चुनौतीपूर्ण। तो आपको क्या लगता है कि इसमें से अच्छा प्रश्न हो सकता है, कौन सा इसमें से राइट आंसर होगा दोस्त, अगर हम भरेंगे देखिए पहले। अगर हम यहां पर चेक कीजिए, अगर हम सहयोगात्मक और सकारात्मक वातावरण की स्थापना विद्यालयों में अधिगम का एक अनिवार्य हिस्सा है ऐसा भरेंगे तो आपको राइट होगा। बी में क्या, प्रतिस्पर्धात्मक अपने आप में क्या, कंपटीशन वाला तो अपने आप में गलत है। यहां पर यांत्रिक भी क्या क्या है, गलत है। और यहां पर भयमुक्त है तो अपने आप में गलत है। तो ऐसे ही ऑप्शन आप कट कर सकते हैं, राइट आंसर होगा हमारा। तो कैसा होना चाहिए, सहयोगात्मक और सकारात्मक वातावरण की स्थापना विद्यालयों में अधिगम का एक अनिवार्य हिस्सा है, आपका ए ऑप्शन राइट होगा। 23 नंबर की चर्चा कर लेते हैं, कर अधिगम तब प्रभावी होता है जब लर्निंग इज द इफेक्टिव व्हेन, कर या बाहरी प्रेरकों द्वारा निर्देशित होता है, कर या स्पर्धा या स्पर्धा को बढ़ावा देता है, करा कि विद्यार्थियों के लिए अधिगम लक्ष्य पूरी तरीके से शिक्षक द्वारा तैयार किए जाते हैं, करा विद्यार्थियों को अपने अधिगम लक्ष्य स्वयं निर्धारित करने के अवसर दिए जाते हैं। तो आपको 23 नंबर के लिए क्या लगता है कि आपका राइट आंसर होना चाहिए, 23 नंबर के लिए क्या इसमें से राइट आंसर होना चाहिए, कारण कि दोस्त ध्यान देंगे, विद्यार्थियों के अधिगम लक्ष्य पूरी तरह से शिक्षक द्वारा तैयार किए जाते हैं, तब होगा, कब होगा, करा कि विद्यार्थियों को अपने अधिगम लक्ष्य स्वयं निर्धारित करने के लिए अवसर दिए जाने चाहिए, एकदम सही है। तो यह बाहरी प्रेरकों द्वारा निर्देशित होगा, जो बाहरी बात करें मोटिवेशन से होगा, बाय मोटिवेशन से होगा, एक्सटर्नल मोटिवेशन से होगा, आधारित होगा तो अच्छा नहीं सीख पाएगा बच्चा, अधिगम प्रभावी नहीं होगा। प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देंगे तो ऐसे भी नहीं हो सकता। और विद्यार्थियों के अधिगम के लिए लक्ष्य पूरी तरीके से किसके द्वारा तय हो, शिक्षक के द्वारा तय होगा, भाई लक्ष्य तो बालक पूरा करेगा, शिक्षक तो पूरा नहीं करेगा, तो उसे तो बच्चे के हिसाब से होना चाहिए, शिक्षक को थोड़ी ना बताएगा। इसलिए आपका यह गलत हो जाएगा, सी भी नहीं, राइट आंसर क्या होगा, डी होगा। विद्यार्थियों को अपने अधिगम लक्ष्य स्वयं द्वारा निर्धारित करने के लिए अवसर दिए जाने चाहिए, और आपका क्या इसमें से राइट ऑप्शन होगा, डी। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, 24 नंबर की बात कर लेते हैं, करा कि प्रभावी अधिगम हेतु, करा प्रभावी अधिगम हेतु निर्देश के लिए प्रारंभिक बिंदु क्या होने चाहिए, क्या होने चाहिए प्रारंभिक बिंदु, करा असफलता का डर, करा बच्चों का सामाजिक सांस्कृतिक परिपेक्ष, करा कि सफलता के लिए इनाम, प्रतिस्पर्धा की भावना। क्या आपको लगता है कि इसमें से राइट आंसर हो सकता है, करा कि कौन सा इसमें से राइट आंसर होगा, करा फॉर इफेक्टिव लर्निंग व्हाट शुड बी द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द इंस्ट्रक्शन, करा क्या इसमें से असफलता का डर, भाई असफलता के डर से आप चीजें नहीं होंगे, अगर असफलता से डर से तो प्रभावी अधिगम हो पाएगा, नहीं हो सकता। प्रभावी अधिगम तब होगा जब निडर होकर चीजें पढ़ेंगे, सोचेंगे, देखा जाएगा, जो होगा पहले हम पढ़ते हैं।
फिर इसके बाद पेपर में देखा जाएगा जैसा क्वेश्चन आएगा सबके लिए हार्ड होगा भाई। पेपर हार्ड तो सबके लिए हार्ड, पेपर सरल तो सबके लिए सरल, क्या दिक्कत है हमें, हम तो पढ़ सकते हैं, हमारा काम है पढ़ना। पेपर एग्जामिनर बनाया देखा जाएगा जो होगा, तो इसलिए असफलता से डर की वजह से पढ़ेंगे तो एकदम आप फेल हो जाएंगे, इसलिए दोस्त प्रभावी नहीं हो सकता, ये ऑप्शन गलत होगा। सामाजिक का बच्चों का सामाजिक सांस्कृतिक प्रवेश एकदम राइट होगा, तो इस बिंदु पर जो प्रभावी अधिगम हेतु क्या करें, प्रभावी अधिगम के लिए निर्देश के लिए क्या करें, प्रारंभिक बिंदु कैसी होनी चाहिए, जैसे कोई चीज ध्यान देंगे, अच्छा पॉइंट है, जैसे प्रभावी अधिगम है कोई चीज आप पढ़ाना सीख पढ़ा रहे हो बच्चे को, लर्निंग कैसी हो, इफेक्टिव हो, जब आप बच्चे को ऐसी लर्निंग दे रहे हो जो इफेक्टिव लर्निंग हो और बच्चे को इफेक्टिव लर्निंग हो, तो आप प्रारंभिक बिंदु किसे ढूंढेंगे, तो प्रारंभिक बिंदु उसे ढूंढेंगे कि भैया जो हम ज्ञान दें बच्चे के सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य से जुड़ा हो, बच्चे के एनवायरमेंट से जुड़ा हो, बच्चा जिस एरिया में रहता है जहां पर रहता है उसके माहौल को समझता हुआ एग्जाम्पल दें तो बच्चा बेहतरीन सीख पाएगा, बच्चे के पूर्व ज्ञान से जोड़कर दें, तो इस तरीके से आपका बी ऑप्शन राइट होगा। अगर सफलता के लिए इनाम, भाई सफलता के इनाम की बात करें, इनाम अपने आप में क्या है, गलत है, या बाय मोटिवेशन प्रतिस्पर्धा अपने आप में भी गलत है, कंपटीशन भी गलत, तो राइट आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन पूरी तरीके से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर 25 नंबर की कहा है, निम्नलिखित में से कौन विद्यार्थियों के बीच सार्थक सीखने को बढ़ावा नहीं देता है, कौन सा इसमें से बढ़ावा नहीं देगा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट प्रमोट मीनिंगफुल लर्निंग एमंग स्टूडेंट्स, कर अन्वेषण, कर बातचीत, अंतःक्रिया, अधिसंज्ञान, कर निष्क्रिय अवलोकन, तो इसका मतलब है सीखने को बढ़ावा नहीं देता है, आपको इसमें से क्या ढूंढना था, निगेटिव ढूंढना है, तो निगेटिव इसमें से क्या होना चाहिए, कर अन्वेषण तो बात तो सही है, अन्वेषण क्या होगा, अन्वेषण अपने आप में राइट है, अन्वेषण क्योंकि हमको निगेटिव ढूंढना है तो निगेटिव क्या होना चाहिए, वह निगेटिव निष्क्रिय अवलोकन होगा, क्योंकि अवलोकन वो भी निष्क्रिय की बात कर रहा, अधिसंज्ञान सही है, बातचीत भी सही है, अंतःक्रिया के द्वारा सीखना चाहिए तो अधिगम को बढ़ावा मिलेगा, लेकिन कौन सा बढ़ावा नहीं देता है, गलत हमको ढूंढना था तो गलत ही हमको, हमारा डी ऑप्शन है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते 26 नंबर के लिए, जब सीखी जाने वाली सामग्री, जब सीखी जाने वाली सामग्री कैसी हो तो विद्यार्थी बेहतर सीखते हैं, मतलब कौन सी ऐसी तरीके से बच्चे को सिखाएं जब बच्चा बेहतर सीखता हो, कि स्टूडेंट्स लर्न बेटर व्हेन द मटेरियल टू बी लर्न इज, करा कि जटिल व्यापक मौजूदा ज्ञान से जुड़ी, करा अव्यवस्थित और असंगठित, करा उनके सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से भिन्न, भाई साहब तो सोचिए कि बच्चा जटिल और व्यापक देंगे तो सही तरीके से सीख पाएगा क्या, नहीं सीख पाएगा, गलत होगा। हम कैसे सिखाएं बच्चे को, जब 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 सीखी जाने वाली सामग्री कैसी होगी, मौजूदा ज्ञान से, बच्चे की जो ज्ञान है उससे ज्ञान से जुड़ी जानकारी देंगे तो क्या होगा, वह बच्चा बेहतरीन तरीके से सीख पाएगा, आपका बी ऑप्शन राइट है। अव्यवस्थित और असंगठित, अव्यवस्थित व्यवस्थित और संगठित देंगे तो बच्चा सीखेगा ना, इसके लिए अव्यवस्थित की बात करें गलत होगा। डी में करा उसके सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से भिन्न, करा उसके सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से क्या करा है, भिन्न की बात करा है, तो दोस्त आपका है इसमें से बात करें तो यह भी क्या होगा, यह भी आपका गलत है, करे कि भिन्न की बात करा है, जुड़ा होना चाहिए, या आपका जो गलत ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते आगे बात किया जाए, आगे ध्यान देंगे, नेक्स्ट प्रश्न की चर्चा करते हैं दोस्त, आगे बात करते हैं 27 नंबर की, करा कि विद्यार्थियों के लिए अधिगम को सुसाध्य बनाने के लिए, विद्यार्थियों के लिए अधिगम को सुसाध्य बनाने के लिए एक शिक्षिका को निम्न में से क्या करना चाहिए, मतलब शिक्षिका को क्या निम्न में से करे कि जो अधिगम हो सार्थक हो पाए, टू मेक लर्निंग मीनिंगफुल फॉर स्टूडेंट्स विच ऑफ द फॉलोइंग शुड ए टीचर डू, करा पाठ पुस्तक सामग्री के रट कर याद करने पर जोर देना, तो पाठ पुस्तक को रट कर याद करने, इसका मतलब सही सुविधा है, रट कर लिखा वो भी पाठ पुस्तक की बात करें गलत हो जाएगा। व्यवहार अनुकूलन के लिए उत्तेजना प्रतिक्रिया संघ को नियोजित करना, यह भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर वो भी करा कि यह भी देंगे उत्तेजना और साथ साथ उद्दीपन और अनुक्रिया की बात हो रही है, गलत हो रहा है, नियोजित उस तरीके से आप सिखाओगे तो अच्छा नहीं सीख पाएगा। विद्यार्थी को प्रेरित करने के लिए मूर्त पुरस्कारों के द्वारा अक्सर उपयोग करना, तो मूर्त पुरस्कार देंगे तो कहीं ना कहीं बच्चा लालची हो जाएगा, पुरस्कार देकर नहीं सिखाएंगे आप, गलत ऑप्शन। किसके आधार पर, अनुभव पर चिंतन और मनन करने को अवसर देंगे तो क्या होगा, ज्यादा महत्वपूर्ण होगा और शिक्षिका को इसके आधार पर सिखाना चाहिए, डी ऑप्शन आपका पूरी तरीके से राइट आंसर हो जाएगा, क्या होगा दोस्त, वह होगा डी ऑप्शन आपका राइट होगा, समझ पा रहे होंगे।
देखिए रट कर याद करना वैसे है, उद्दीपन क्रिया से जुड़ाव की बात करें व्यवहारवादी मानता है और ज्यादा इफेक्टिव नहीं होता है। साथ ही साथ पुरस्कार की बात करें तो एक्सटर्नल एक तरीके से, इंटरनल की मोटिवेशन की बात होता तो बात मनती, लेकिन एक्सटर्नल वो भी करा मूर्त पुरस्कार दे करके, तो यह भी नहीं होगा। डी ऑप्शन पूरी तरीके से राइट है। 28 नंबर की बात कर लेते हैं, करें कि अधिगम के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। अधिगम के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज द करेक्ट इज द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द लर्निंग। करें परीक्षाएं ही अधिगम का चरण लक्ष्य है। करें अधिगम एक निष्क्रिय प्रक्रिया है, अधिगम एक निष्क्रिय प्रक्रिया है और इनमें अधिक अधिगमकर्ताओं की संलग्नता की जरूरत नहीं है, कि संलग्नता की जरूरत नहीं है। भाव का अधिगम प्रक्रिया का कोई प्रभाव नहीं है। कर अधिगम एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें अधिगमकर्ताओं की सक्रिय संलग्नता की जरूरत होती है। तो इसमें से कौन सा आपको 28 नंबर के लिए राइट आंसर लगता है, जी बताएंगे 28 नंबर के लिए क्या इसमें से लगता है कि राइट ऑप्शन होना चाहिए। करा परीक्षाएं ही अधिगम का चरण लक्ष्य है। भाई सिर्फ अधिगम इसलिए आप सीखते हो कि सिर्फ परीक्षाओं के लिए, अधिगम इसलिए करते हो सिर्फ परीक्षाओं के लिए, नहीं या दोस्त आपका ए ऑप्शन गलत होगा। अधिगम एक निष्क्रिय प्रक्रिया, अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया है, निष्क्रिय कैसे आप कह सकते हो, यह भी गलत हो जाएगा। करें इनमें अधिक अधिगमकर्ताओं की जरूरत नहीं होती। भाई निष्क्रिय प्रक्रिया नहीं सक्रिय प्रक्रिया, इसका मतलब गलत होगा। भाव का अधिगम प्रक्रिया पर कोई प्रभाव नहीं होता है। भाव का प्रभाव होता है, इफेक्ट पड़ता है अधिगम पर, क्यों नहीं पड़ता, भाव का बहुत ज़्यादा प्रभाव है क्योंकि भाव के हिसाब से आप मीनिंग समझते हो, उसकी मीनिंग अर्थ को समझते हो, किस परिप्रेक्ष्य में किया जा रहा बात। करें यह भी बात गलत होगी, कार्य प्रभाव नहीं है, गलत होगा। करें अधिगम एक क्या है, जटिल प्रक्रिया है, सरल प्रक्रिया नहीं, सक्रिय एवं जटिल प्रक्रिया है, यह ध्यान देंगे। अधिगम क्या है, सक्रिय एवं जटिल प्रक्रिया है, साथ ही साथ इसमें अधिगमकर्ताओं की सक्रिय संलग्नता की जरूरत होती है। मतलब कोई अधिगमकर्ता जो लर्नर है उसको जरूरत पड़ती है कि वह एक्टिव रहे और सक्रिय रहे। तो राइट आंसर होगा हमारा डी ऑप्शन, राइट हो जाएगा। 28 नंबर की चर्चा कर लेते हैं, अधिगम प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। करा कि अधिगम प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द लर्निंग प्रोसेस इन करेक्ट इज इनकरेक्ट। करा कि मतलब कहीं ना कहीं गलत की बात कर रहा है, कौन सा इसमें से गलत है ऐसा आपको ढूंढना है। इनकरेक्ट की बात कर, देखिए यहां पर इनकरेक्ट लिखा हुआ है। करा अधिगम एक निरंतर प्रक्रिया है। करा कि अधिगम प्रक्रिया में त्रुटियां और गलतियां अप्रासंगिक हैं। कर अधिगम व्यक्तिगत और पर्यावरणीय कारकों पर आधारित होता है। कर अधिगम चक्रीय रूप से होता है, अनुरेखीय रूप से नहीं। एकदम सही राइट आंसर क्या होगा, 29 नंबर के लिए चर्चा करेंगे, क्या आपको लगता है। कर अधिगम एक निरंतर प्रक्रिया, एकदम आप जानते हैं कि अधिगम एक निरंतर प्रक्रिया है, यह बात तो सही है। अधिगम प्रक्रिया में त्रुटियां और गलतियां अप्रासंगिक है, अधिगम प्रक्रिया में त्रुटियां और गलतियां अप्रासंगिक है, ऐसा नहीं है, प्रासंगिक है, गलतियां हो सकती हैं पढ़ते दौरान, ऐसा नहीं है कि आप प्रासंगिक होगा, नहीं होने चाहिए किसी भी हालत में, प्रासंगिक होगा। और यही गलत है सेंटेंस, गलत ही क्या होगा, हमारा राइट आंसर होगा दोस्त। अधिगम क्या है, अधिगम व्यक्तिगत और पर्यावरणीय कारकों पर आधारित होता, सही है। अधिगम एक चक्रीय रूप से होता, सही है, रेखीय तरीके से नहीं होता है, यहां पर पीछे लिखा भी अनुरेखीय रूप से नहीं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं यह आपका ए सी और डी पॉजिटिव पॉइंट है, बी पॉजिटिव पॉइंट नहीं था। और जब पॉजिटिव नहीं तो इसके लिए आपका जो राइट आंसर बात करेंगे तो जो गलत है वही हमारा राइट होगा, क्योंकि हमसे गलत पूछ रहा था, तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन ध्यान देंगे, कथन की बात हो रही है। कर विद्यालयों को छात्रों में पाठ पुस्तकों को याद करके पुनः उगल देने की योग्यता के स्थान पर उनमें अपनी आवाज उठाने, जिज्ञासा शांत करने, क्रियाशील होने, प्रश्न पूछने के बाद वाद विवाद करने, करा कि समूह में कार्य करने की योग्यता विकसित करनी चाहिए। कारण में करा कि अधिगम का स्वरूप क्रियाशील एवं सामाजिक है। तो आप जानते हैं भैया, एकदम बात दोनों राइट आंसर है, ए और आर दोनों सही हैं, आर व्याख्या करता है एक ही, और करा कि ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर व्याख्या नहीं करता एक ही, ए सही लेकिन आर गलत है, और ए आर दोनों गलत है। ध्यान देंगे विद्यालयों में छात्रों में पाठ पुस्तक को याद करके पुनः उगल देने की योग्यता के स्थान पर क्या होना चाहिए, कॉन्सेप्ट को सीखे, अपने हिसाब से बताए, अपने नॉलेज को वाद विवाद मतलब कहीं ना कहीं चर्चा पर चर्चा करके चीजें बताए, इसके आधार पर क्या करनी चाहिए, इसके आधार पर जो
कार्य समूह को कार्य करने की योग्यता विकसित करनी चाहिए। एकदम सही है, ऐसी योग्यता विकसित करें जो खुद वाद विवाद करके अपनी जिज्ञासा को शांत करने वाली, अपनी आवाज उठाए प्रश्न पूछने के बाद विवाद करने पर। इसका मतलब कहीं ना कहीं यह पूरी तरीके से कथन सही है। कारण की बात करें, कारण भी कर रहा है कि अधिगम का स्वरूप क्या है, क्रियाशील और सामाजिक होता है, क्योंकि क्रियाशील और सामाजिक होता है तभी तो बात या जिज्ञासा को शांत कर सकता है, अपने बातों को कहीं दूसरे टीचर से या अपने अंतःक्रिया के माध्यम से उसे सीख सकता है। तो कहीं ना कहीं जब सामाजिक है तभी तो हो रहा है, अंतःक्रिया हो रहा है, नहीं अदरवाइज नहीं होता। इसका मतलब कहीं ना कहीं जो कारण है और कथन है दोनों आपस में सही है, और जो आपका कारण है जो वह भी क्या है, आर जो है वह ए को पूरी तरीके से संतुष्ट कर रहा है, तो इसलिए आपका दोस्त ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। दोस्तों आप सभी के सामने ये 30 क्वेश्चन थे, और इस बात किया जाए अधिगम चैप्टर की जब आप चर्चा करते हैं, कम से कम आपको 2 से 3 क्वेश्चन हमेशा से पेपर में आए हुए हैं, वह चाहे प्राइमरी पेपर की तैयारी कर रहे हो सीटेट का या आप जूनियर पेपर की तैयारी कर रहे हो सीटेट का, तो दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। कम से कम इस प्रैक्टिस को आप अच्छे से वॉच कीजिए, समझिए कि क्वेश्चन वाकई में अधिगम चैप्टर से कैसे बनाए जाते हैं, आपको सिखाने के लिए किस तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है, और इस तरह के प्रश्न देखने को मिलते हैं, चाहे कथन कारक वाला हो, चाहे आपसे पूछा जाए एक तरीके से नॉर्मल क्वेश्चन हो, तो आपने आपको इस तरीके से प्रश्न दिखाने अधिगम चैप्टर से जो भी प्रश्न जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको हम समझाने की कोशिश किए दोस्त। अगली क्लास में मिलते हैं निश्चित टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें दोस्त। थैंक यू।